ये कहानी है हमारे समाज में रहने वाले उन दो लोगों की जो सिर्फ अच्छाई की चादर ओढ़े हुए हैं। और क्या चल रहा है आजकल? मैं एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो जो आवारा बच्चे सड़कों पे उनको मैं पढ़वाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। तुम्हें कितने समझाया मैंने, ऐसे काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा किधर जा रहे हैं? आसमान ले लिया। जब नमाज पढ़ लें, नमाज से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। आसमान जरूरी। जब नमाज जरूरी है कि काम जरूरी है, खुद बताओ। तो आप नहीं चाहते आपका जन्नत में घर बने? जी। यार जन्नत में घर कैसे बनेगा, नमाज पढ़ने से ही बनेगा ना। नमाज पढ़ने के बाद रूह को सुकून मिला होगा। जी चलो आओ तुम्हें मैं एक और सुकून की बात बताता हूँ। कसम मैं चलता। यार किधर जा रहे हो? कसम मैं चलता। सुकून लेने दो। कसम कसम। हनीफ तो सुबह से बाहर ही निकला कमरे से, चलो मैं चेक करती हूँ। अभी तक सो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या किस बात की परेशानी है? वो है सामने मॉल भी। तुमने इस वजह ज्यादा की है? मैंने किया क्या है? क्या हुआ? क्या मॉल? इस मॉल में इसका ज्यादा की है मौलवी साहब। आपको पता तो है इन औरतों का खास औरतों जैसे कपड़े पहने। मेरे पे इल्जाम? जहाँ तक कोर्ट की बात है देख लेंगे।